बहुत यार लंबा बहुत फोन अच्छा था वाला आपकी आपकी सदा। सदा। जैसा कि माता की नवरात्रि चल रही है और तीन अध्याय माँ दुर्गा सप्तशती के जो है हमने पढ़े और सुने, माँ दुर्गा सप्तशती के इन अध्यायों में माता दुर्गा की महिमा के बारे में बताया गया है। पहले अध्याय में बताया गया कि किस तरह से मार्कंडेय ऋषि जी ने मेधा मुनि के बारे में बताया है कि मेधा मुनि राजा सुरथ और वेश्य जिसका नाम समाधि है उसको वो सारी कथा सुना रहे हैं माँ के अवतारों की और कैसे राजा मनु हुए 8वें मन्वंतर में। तो पहले अध्याय में मधु कैटभ का संहार माँ ने किस प्रकार किया। दूसरे अध्याय में आया कि महिषासुर नामक जो राक्षस था 5000 वर्षों तक देवी देवताओं के साथ युद्ध चलता रहा और सारी सेना को माँ ने क्षण भर में कैसे नष्ट कर दिया। तीसरे अध्याय में जो महिषासुर के सेना नायक थे चिक्षुर और चामर और महिषासुर राक्षस का वध माने किया। और आज चौथा अध्याय आता है माँ दुर्गा सप्तशती का। माँ देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए जिस समय महिषासुर राक्षस का वध हुआ तो सारे देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए सभी। और इंद्र आदि सारे देवता अब माँ के सामने खड़े हैं और माँ दुर्गा देवी की स्तुति कर रहे हैं और ये ध्यान कर रहे हैं, मन में ये ध्यान है सभी देवी देवताओं के कि सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का हम ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम, वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखा शोभा देती है और अपने हाथों में शुद्ध चक्र कृपाण त्रिशूल को धारण करती हैं। ऐसी माँ दुर्गा देवी का हम ध्यान करते हैं। सारे देवी देवता वहां विराजमान हैं। ऋषि कहते हैं, मेधा ऋषि कहते हैं कि इतना पराक्रमी महिषासुर राक्षस था उसकी, और वो जो दैत्य सेना थी राक्षस की, उसका देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए माँ के सामने गर्दन और कंधे झुकाए खड़े हैं और बड़े उत्तम वचनों से माँ भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे सभी देवी देवता। और बड़े प्रसन्न हो देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति समुदाय ही जिनका स्वरूप है। सारे देवताओं की शक्ति विराजमान थी माँ में जिनका स्वरूप है, और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, सब देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, वे हम लोगों का कल्याण करें। देवता कहते हैं स्तुति करते हुए कि जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी में भी सामर्थ्य नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय नाश करने का विचार करें। जो माँ दुर्गा देवी पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी रूप से, पापियों के घरों में दरिद्रता रूप से, और शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से, पुलिन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन भगवती देवी दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी माँ, संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवता कहते हैं कि हे देवी,
आपके अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का और समस्त देवताओं के और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें? आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सत, रज, तम तीनों गुण हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। अरे भगवान विष्णु और महादेव जी भी आपका पार नहीं पाते, आप ही सबका आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे माँ देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति का लाभ पाते हैं, वो स्वाहा आप ही हैं। आप पितरों की तृप्ति का भी कारण हैं, इसीलिए आपको सब लोग स्वधा भी कहते हैं। देवता स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे देवी, जो मोक्ष के साधन हैं, वो आप ही हैं। सारे दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वो तो पराविद्या देवी आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का आधार माँ आप ही हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही तो खेती और आजीविका के लिए प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा को नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटब के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी, भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से शोभित है। निर्मल पूर्ण पूर्ण चंद्रमा के समान बिंब का अनुकरण करने वाला उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी महिषासुर को देखकर क्रोध हुआ और उसने आप पर प्रहार किया, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की तरह लाल तीनों भौहों के कारण विकराल हुआ। उसे देखकर इस महिषासुर के प्राण तुरंत ही क्यों नहीं निकल गए? अरे उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर कोई जीवित रह सकता है क्या? हे देवी, आप प्रसन्न हो, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। क्रोध में आने पर आप तो कुलों का सर्वनाश कर देती हैं, जैसे महिषासुर की सेना आपने क्षण भर में अपने कोप से नष्ट कर दी। हे देवी, आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता, वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष और भाइयों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है, उसके प्रभाव से वो स्वर्ग लोक को जाता है, इसीलिए आप ही तीनों लोकों में निश्चय ही मन वांछित फल देने वाली हैं। हे माँ, आप सिमरण करने पर सब प्राणियों के भय को हर लेती हैं, परम कल्याणमयी वृद्धि आप प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता भय को हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है? जिनका चित्त सबका उपकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हे देवी,
इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले, ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहें, पर इस समय संग्राम में ये मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप इन शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? देवता स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं माँ से कि आप शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? सारे असुरों को तो आप अपने दृष्टिपात से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? एक रहस्य है ये कि शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। अरे माँ देवी, आपका तो उन शत्रुओं के प्रति भी इतना विचार उत्तम रहता है। हे देवी, आपके खड़ग के तेज पुंज की चमक से, आपके त्रिशूल की प्रभा से चौंधे आकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का वो दर्शन करते हैं। हे देवी, आपका शील बल पराक्रम उन दैत्यों को भी नष्ट करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। आपने अपने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही हैं। आपने शत्रुओं का नाश करके समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाकर हमारे भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है, नमस्कार है। हे देवी माँ, शूल से, खड़ग से, घंटा की ध्वनि से, धनुष की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें, रक्षा करें। हे माँ चंडी, अपने त्रिशूल को घुमाकर चारों दिशाओं में हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। हे देवी, इस भूलोक की रक्षा करें, रक्षा करें। हे देवी अम्बा, आपके शस्त्र हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, मेधा मुनि कहते हैं कि देवताओं ने माँ दुर्गा देवी की स्तुति की, ओ पुष्प और गंध चंदन से उनका पूजन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से वर मांगने को कहा। देवता बोले, हे माँ, आपकी कृपा से हमारी सब इच्छा पूरी हुई है। देवता कहते हैं कि हे माँ, आप हमें वर देना चाहती हैं, तो जब जब हम आपको याद करें, आपको सिमरण करें, आप हमें दर्शन देकर हमारा संकट दूर करें। तो जो मनुष्य देवी की स्तुति करे, देवी उस भक्त की इच्छाएं पूरी करें। माँ दुर्गा देवी ने देवताओं को ये वर दिया और वे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी देवताओं के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब कथा सुनाई। अथ चौथा अध्याय समाप्त। जय माता दी, जय माता दी।